आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जिससे कई लोग को पता है कई लोग को नहीं पता। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, तो आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा ह्यूमन जो ब्रेन है, ब्रेन ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे ऑक्सीजन कंज्यूम उतना ज़्यादा करेगा, और उतना ज़्यादा ब्रेन ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स से एनर्जी सोर्स सोर्स की तरह यूज़ करेगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा होगा, ब्रेन ब्रेन ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा करेगा और ग्लूकोज कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगा। ब्रेन का जो 80% एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, ब्रेन जो फंक्शन करता है, पूरे बॉडी सिस्टम को मेंटेन करता है, तो वो जो बॉडी सिस्टम को मेंटेन करता है उसका 80% एनर्जी ग्लूकोज से आती है। 80% एनर्जी किससे आती है? ग्लूकोज से आती है। और एक सेकेंड बात कि जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो जो ह्यूमन ब्रेन आफ्टर एज 25 ह्यूमन ब्रेन फुल्ली डेवलप होता है। 25 उम्र जो हमारा एज है, 25 का आगे जो 25 एज कोई आदमी का अगर एज 24 है तो उसका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं होता। जब तक उम्र हमारा एज 25 से बढ़कर 25 नहीं होता तब तक हमारा ह्यूमन ब्रेन फुल्ली फॉर्म नहीं होता। तो आफ्टर एज 25 ह्यूमन ब्रेन ब्रेन इज फुल्ली फॉर्म्ड, ये बात याद रखना। और ह्यूमन ब्रेन इतना ज्यादा, तीसरी बात क्या है, ह्यूमन ब्रेन इतनी ज्यादा पावर जनरेट करती है कि लगभग साइंटिस्ट ने पता लगा कि 23 वाट्स पावर जनरेट करती है ह्यूमन ब्रेन। तो उस जो ह्यूमन ब्रेन 23 वाट्स की पावर जनरेट करती है उससे एक बल्ब जल सकता है। जो ह्यूमन ब्रेन 23 वाट्स की पावर जनरेट करती है उससे एक लाइट बल्ब जल सकती है। चौथा पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल। हमारे ह्यूमन बॉडी में एक टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल लार्निंग ह्यूमन ब्रेन के लिए, लार्निंग और मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल लार्निंग ह्यूमन ब्रेन के लिए, लार्निंग और मेमोरी के लिए बहुत जरूरी होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल हमारा जो एज है और अदर फैक्टर से वैरी होता है। जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा है कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो जो उसका मात्रा है वो हमारा एज और अदर फैक्टर से वैरी होता है। फाइव नंबर पॉइंट है आई बॉल। जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल को साइंटिस्ट ने पता लगा है कि आई बॉल जो है हमारा, वो आई बॉल ह्यूमन ब्रेन का डायरेक्ट फिजिकल एक्सटेंशन है। उसका वो डायरेक्ट एक्सटेंशन है, ह्यूमन जो ब्रेन है उसका वो डायरेक्ट फिजिकल एक्सटेंशन है हमारा आई बॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट थे ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।